Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends. तो मैं आज आपको बताऊंगा बाजी नाव से कैसे मनी अर्न कर सकते हैं सीधा पेटीएम से। तो जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर में जाके बाजी नाव इंस्टॉल कर लेना है। मेरा पहले से इंस्टॉल है। तो चलिए अब मैं इसे ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना नंबर देना है, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो अब ये OTP आपके फ़ोन में जाएगा और वेरीफाई होगा, जैसे कि ये अभी हो रहा है। चलिए अभी ओपन हो चुका है। तो आपके आप रिमाइंडर सेट कर सकते हैं कि 4:30 बजे बिंगो बाजी है, 8:30 बजे ब्रेन बाजी है। तो अगर आप रिमाइंडर सेट करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब भी ये लाइव ट्रिविया क्विज होगा। तो आप इसे अभी सेट कर सकते हैं या बाद में भी सेट कर सकते हैं। तो अभी मैं इसे लेटर दबा देता हूँ। तो दोस्तों आपके पास एक लाइफ लाइन होगा और उस लाइफ लाइन को आप यूज़ कर सकेंगे लाइव ट्रिविया क्विज के वक्त। तो दोस्तों ये रूल्स यही है कि आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लाइव ट्रिविया क्विज में और 10 में से 10 ही आपको सही देना है आंसर। तो अगर आपका एक भी आंसर अगर गलत रहा तो आप फिर से चांस आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पास एक लाइफ लाइन रहेगा वो ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगा। अगर उसके बाद भी आपका कोई आंसर गलत रहा तो आप उस गेम से आउट हो जाएंगे। तो अगर आपको अगले गेम के लिए लाइफ लाइन चाहिए तो उस लाइव ट्रिविया क्विज में आपको रहना है और आखिर तक देखना है उस लाइव क्विज को। तो लाइव क्विज ख़त्म होने के बाद आपको एक लाइफ लाइन दिया जाएगा जो आप अगले गेम में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप 10 में से 10 ही सही जवाब देते हैं उस लाइव ट्रिविया क्विज में तो आपको आपका पेटीएम अकाउंट में जो अमाउंट है वो क्रेडिट किया जाएगा। तो दोस्तों आप अगर एक्स्ट्रा लाइफ लाइन आपको चाहिए तो आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर सकते हैं, व्हाट्सएप में हो या मैसेंजर में हो आप इनवाइट कर सकते हैं। जैसे नीचे आप ये देख सकते हैं इनवाइट बटन है। तो दोस्तों ऐसे ही आप बाजी नाव खेल सकते हैं और मनी अर्न कर सकते हैं और इससे आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा और आप मनी भी अर्न कर सकेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।